नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, पेपर सेकंड जो आपका सैद्धांतिक पेपर दो है जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, सो उससे रिलेटेड हमने एक वीडियो डिस्कस किया था जिसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपके एग्जाम में उनको हमने डिस्कस किया था। सो उसमें 2018 और 2019 के क्वेश्चंस थे। सो आज हम 2017 और 2016 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं। सो ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है। ओके, जो सबसे सटीक वित्तीय प्रबंधन होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, वो भी उचित प्रकार का, सो वो क्या डिसाइड करता है? कार्यक्रम की सफलता को, धन की उपलब्धता को, या प्रबंधन की सफलता को? सो उचित वित्तीय प्रबंधन जो है वो प्रबंधन की सफलता को डिसाइड करता है कि प्रबंधन जो है वो सुचारू रूप से या सही ढंग से या सफल रूप से सही चल रहा है। लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है, अवलोकन करने का, ओके, निष्कर्ष निकालने का, निरीक्षण करने का, या उपर्युक्त सभी का। सो लर्निंग कॉर्नर का मतलब है कि विद्यालय के किसी एक कॉर्नर में एक लर्निंग आउटकम का, मतलब लर्निंग का ये हुआ कि उसमें किसी तरह का चार्ट बना हो, किसी तरह का मैप के द्वारा हम उनको प्रैक्टिस कराएं, मैप के द्वारा समझाएं, ओके, किसी मानचित्र के द्वारा, ओके, चार्ट के द्वारा, या किसी प्रोजेक्ट के द्वारा, या हम किसी मॉडल के द्वारा। सो लर्निंग कॉर्नर का मतलब है कि वो बच्चों में सब तरह के गुण होंगे कि उसमें जब हम उनको लर्निंग कॉर्नर दिखाएंगे कि हाँ ये एक मैप हमने समझिए बनाया है मानचित्र के द्वारा या मॉडल बनाया है, तो उनमें उनसे अवलोकन की क्षमता विकसित होगी, उस मॉडल को देख करके उनमें क्या निष्कर्ष निकल सकता है, निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित होगी, निरीक्षण करने का कि कौन कौन से उसमें चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें लगी हुई हैं। सो इन चीज़ों का मतलब उपर्युक्त सभी, अवलोकन का भी, निष्कर्ष का भी, निरीक्षण का भी, सो हर तरह का उनमें बच्चों के गुण में विकास होगा। सो उपर्युक्त सभी जो है वो यहाँ पे सही उत्तर है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा दो में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या कितनी है? अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें आपको थोड़ा स्कूल में जा करके या बच्चों से कंठस्थ करके ही समझ में आएगा कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा दो में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या जो है वो दो है। सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती हैं? सो सामान्य रूप से एक ही समय सारणी बनाई जाती है। ओके, जरूरत पड़ने पे उनको डिवाइड किया जाता है, अदरवाइज एक ही समय सारणी बनती है। समय सारणी उत्तम साधन है, जो समय सारणी है वो उत्तम साधन है। कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं? विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, या शिक्षकों में प्रशिक्षण अनुशासन का, शिक्षण अनुशासन का, या प्रधानाध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का। सो समय सारणी जो है वो नियमित और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का उत्तम साधन है। ओके, समय सारणी से उसमें एक रेगुलरिटी बनी रहती है कि नियमित रूप से कक्षाओं का संचालन होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है वो भी सुचारू रूप से चलती है, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे सही होगा। छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि क्या होती है? मतलब एक बेला की उपयुक्त अवधि जो है वो 30 से 35 मिनट होती है। ओके, और जैसे जैसे कक्षाएँ बढ़ती जाती हैं, जैसे जूनियर में 40 से 45 मिनट, ओके, सभी अभिलेख होने चाहिए। सही अभिलेख जो है सही, विश्वसनीय, वैध है, या तीनों, तो सभी अभिलेख जो है वो सही भी होने चाहिए, वैध भी होने चाहिए, वैलिड भी होने चाहिए, और उसमें विश्वसनीयता का भी गुण हो। ओके, सो तीनों ऑप्शन दा जो है वो यहाँ पे सही है। जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं उनका जो पद सृजित किया गया है वो किस लिए सृजित किया गया है? अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति के अधीनस्थ या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ, ओके, जिलाधिकारी के अधीनस्थ या जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीनस्थ। सो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो BSA होते हैं उनके अधीनस्थ काम करने के लिए जिला समन्वयक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की जो पद है वो सृजित किया गया। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो BSA के कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करते हैं या BSA को कोऑर्डिनेट करने के लिए। शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या है? जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है उसका प्रमुख कार्य क्या है? पर्यवेक्षण करना, व्यवस्था करना, प्रशासन करना, या नियोजन करना। सो नियोजन करना जो है वो शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है, और नियोजन को ही इंग्लिश में हम प्लानिंग कहते हैं कि कैसे प्लानिंग करनी है हर चीज़ की, वो शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है।
प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीनस्थ होते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के, अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? सो राज्य शैक्षिक प्रबंधन अनुसंधान सॉरी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम इंग्लिश में SCERT कहते हैं, तो इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में स्थित है। जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन सी होती है? तो जिला स्तर की जो सबसे हाईएस्ट अकादमिक इंस्टीट्यूशन होता है वो आपका डायट होता है। ओके, कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के संपन्न कराने के लिए आवश्यक किसकी आवश्यकता किसकी होती है? नेतृत्व की, प्रशासन करना, प्रबंधन करना या योजना बनाना। सो प्लानिंग जो है, योजना बनाना, वो कक्षा कक्ष हो या कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रिया को क्रियाकलाप करने के लिए, उसकी सफलता के लिए योजना जो है, सही प्लानिंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सो ऑप्शन बा जो है वो यहाँ पे सही है। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संस्था का समन्वय नहीं होता है? सो स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है, देखिए ऑप्शन क्या दिए गए हैं, वित्तीय मैनेजमेंट, मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन या उपयुक्त तो सभी। सो भौतिक जो वित्तीय संसाधन है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उसका संगठन, उनके संगठन का समन्वय नहीं होता है। बाकी आपके मानवीय और भौतिक संसाधन दोनों होते हैं। विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों के विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सो उनको उसके लिए अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों का विकास करना होता है, इसका ध्यान देना चाहिए। ओके, शिक्षण के जो अलावा जो बच्चों में विकास है, तो किसका ध्यान दिया जाना चाहिए? वो अंतर्निहित गुणों और शक्तियों का। कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। ओके, बच्चों की जो फर्नीचर है वो कैसा होना चाहिए? उनकी पठन क्षमता के अनुसार, लेखन क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार या शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार। मीन्स उनकी जैसी शारीरिक अभिवृद्धि है, उस हिसाब से जो फर्नीचर है उसका व्यवस्था करना चाहिए। कि जो अगर कोई बच्चा छोटा है तो उसका जो स्टूल है या उसकी जो बेंच है वो थोड़ी सी नीची होनी चाहिए, अदरवाइज उसको बैठने में दिक्कत होगी। अगर कोई लंबा बच्चा है जिसकी लंबाई ज़्यादा है तो उसके लिए ऊंची बेंच भी चल जाएगी। सो ये है कि कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था, उनकी जो शारीरिक अभिवृद्धि है, ओके, जो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसके बेस पे करना चाहिए। अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? जो लर्निंग मैनेजमेंट है उसका जो महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? सो अनुशासन, डांट फटकार, दंड या प्रशासन। जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि कैसे हम प्रशासन चला रहे हैं, वो अधिगम प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं। सो ये जनरल मान्यता है कि बच्चे जो है अपनी माता के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। ओके, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? सो ग्राम शिक्षा समिति, जिसको हम विलेज एजुकेशन कमेटी कहते हैं, सो उसका जो सदस्य सचिव होता है वो बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक, मींस जो स्कूल का प्रधानाध्यापक होता है वो ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। बाकी उसमें आपके जो अभिभावक होते हैं, गांव का प्रधान और बच्चों के अभिभावक, ये सब भी सम्मिलित होते हैं, लेकिन जो उसका सचिव, सदस्य सचिव होता है वो स्कूल का प्रधानाचार्य जो है वो होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्थित है। इसका जो प्रमुख मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और SCERT का भी हमने ऊपर डिस्कस किया था, वो आपका लखनऊ में है। ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक क्या है? ग्राम शिक्षा समिति के जो आवश्यक है कि उसमें एक महिला का होना सबसे ज़रूरी है। बाकी जो आपके ऑप्शन दिए हैं कि दो महिलाओं का होना, तीन महिलाओं का होना, महिलाओं का होना आवश्यक नहीं है, ये गलत है। लेकिन एक महिला का होना सबसे आवश्यक है, कि एक महिला को तो होना ही होना चाहिए। सो इसीलिए यहाँ लिखा है कि ग्राम शिक्षा समिति के लिए गठन के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो एक महिला का होना। लो कॉस्ट, नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। लो कॉस्ट मतलब जिसमें कम पैसा लगे, नो कॉस्ट मतलब कोई भी पैसा ना लगे। सो उसमें कौन निर्माण कैसे किया जा सकता है? बाजार से वस्तुएं क्रय करके, शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से, या प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त कराई गई सामग्री से। सो स्थानीय परिवेश में, जो लोकल वहाँ का एटमॉस्फेयर है, वहाँ उपलब्ध वस्तुओं से हम लो कॉस्ट और नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री या TLM का जो है वो निर्माण कर सकते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तक निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं किसके द्वारा?
राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा या अभिभावक द्वारा जो प्राथमिक शिक्षाएं हैं, जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उनमें बच्चों को राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो है निःशुल्क पुस्तकों का जो है उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि कक्षा एक में कुल निर्धारित पाठ्यपुस्तक कितनी है। कक्षा एक में जो है कुल निर्धारित पाठ्यपुस्तकें एक हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में कक्षा दो का डिस्कस किया था कि कक्षा दो में दो पुस्तकें हैं और कक्षा एक में एक पुस्तक है। प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया गया है। ओके, सो प्रदेश में जो संस्कृत का पठन पाठन है वो कक्षा तीन के बाद से प्रारंभ किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आ चुका है 2016 में, देखिए यहाँ पे मेंशन है कि 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है और क्या है, संस्कृत का जो विषय का पाठन पठन पाठन है वो कक्षा तीन से स्टार्ट होता है। समय सारणी क्या दर्शाती है। समय सारणी बच्चों की अभिगम प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को या सभी क्रियाकलापों को। सो समय सारणी जो उपयुक्त तीनों क्रियाकलाप हैं, शिक्षण की शिक्षण प्रक्रिया को, बच्चों के अधिगम प्रक्रिया को या प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को, तीनों को दर्शाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व तो सौंपना चाहिए। वो जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं मीन्स जो मतलब पढ़ाई के साथ साथ जो सहगामी क्रियाएं हैं उनके संचालन का दायित्व तो किसको सौंपना चाहिए, तो उनके संचालन को जो दायित्व तो है वो शिक्षकों को सौंपना चाहिए। ओके, ऑप्शन इसमें बच्चों को, अभिभावकों को, जिला विद्यालय निरीक्षक को। तो शिक्षक जो है उनको ये जो जिम्मेदारी है, संचालन है वो सौंपना चाहिए। ओके, सो ये कुछ और क्वेश्चन हुए आपके एजुकेशनल मैनेजमेंट। ओके, इससे रिलेटेड कुछ और वीडियो हम अगले और क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।